हाय दोस्तों, स्वागत है आपको टेक्निकल ज्ञान गणेश में। दोस्तों तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने CSP वाला खाता है जो महीने का 10,000 दोस्तों में उसमें 12 में कैसे करना है दोस्तों, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा तभी समझिएगा दोस्तों, बैंक का काम है, एक एक फॉर्म भी गलती हुआ तो दोस्तों काम नहीं हो सकता है आपका, टाइम भी बर्बाद हो सकता है दोस्तों। तो शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छा से अच्छा तरीके से दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि आप CSP में छोटे अकाउंट में है दोस्तों उसमें आप 12 में कैसे करा सकते हैं दोस्तों। जैसे चलिए मान के चलिए दोस्तों, आपका जो अकाउंट होगा CSP में होगा दोस्तों, महीने का 10,000 निकलता होगा दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप बड़े में करके पैसा बेसी भी निकाल सकते हैं दोस्तों। अब 12 वाला बात ही कुछ और रहता है दोस्तों, और उसमें एक बार खाता आपका खुल गया दोस्तों तो कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, अपना 12 वाला SBI में खुल जाएगा। तो उसके बारे में क्या करना होगा, आपको एक फॉर्म लेना होगा दोस्तों, उसके बारे में मैं अभी बताने वाला दोस्तों। शुरू से लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा था सब एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है दोस्तों, एक ही काम करना है आपको पहले, उससे मेरा काम है वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों, अब बेल आइकन को ऑल कर लेना है दोस्तों, ऐसे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपका आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन गिर सके दोस्तों। जरूरी दस्तावेज है दोस्तों से उसके बारे में पहले बता देता हूँ दोस्तों, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और खाता का जीरोक्स दोस्तों चाहिए, जीरोक्स करा के दोस्तों एक KYC फॉर्म भी ले लेना है, बैंक में आपको मिल जाएगा या किसी दुकान में शॉप पर मिल जाएगा दोस्तों, वो लेके अपना छोटे वाले CSP में चले जाना है, वहाँ पे उसको बोलिएगा जो उनका मैनेजर होगा से अपना साइन मोहर मार दे दोस्तों, तभी हो पाएगा ये काम, हो पाएगा काम। और आपको एक खाता ओपनिंग फॉर्म ले लेना है दोस्तों जो 9 पेज का रहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, खाता ओपनिंग फॉर्म दोस्तों, खाता ओपनिंग फॉर्म जो 9 पेज का होता है वो बैंक से आपको फ्री मिल जाएगा दोस्तों, और किसी शॉप पर लीजिएगा तो 20 रुपया लगेगा दोस्तों। तो वो लेके आप अच्छा से फॉर्म फिल करके भर के दोस्तों हम यहाँ भी दे देंगे आपको, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉर्म मैं डाल दूंगा। एक अप्लीकेशन लिखना होगा दोस्तों, से मैं परमाउंट कोड चेंज कर दीजिए प्लीज़, ऐसे बैंक के एक एप्लीकेशन है, मैं भी आप डिस्प्ले पर दे दूंगा दोस्तों, आप उसको रोक के आराम से देख सकते हैं, वैसा आप लिख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से वो साइन उन कर देगा दोस्तों। तो चलना है अपने बड़े बैंक में, बड़े बैंक में जाके दोस्तों क्या करना है, तो उनको देना है बैंक अधिकारी को और बोलना है दोस्तों से मेरे छोटे वाला में सक्सेस नहीं हो रहा है सर, मेरे 12 वाला में कर दिया जाए। दोस्तों आपको आधार कार्ड से छोटा वाला बैंक में भी जाना है और सबसे पहले काम वही कराना है EKYC दोस्तों, फ्री में कर देगा बैंक वाला, छोटा वाला जिसमें से आप छोटे में से बड़ा में करने वाला चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें आप बोलिएगा सर हमको EKYC करके दीजिए, EKYC करिएगा दोस्तों, तो सबको एक ठम स्टेपलर मार के आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता का जीरोक्स दोस्तों उसको एकदम स्टेप मार्क दीजिएगा। एक अप्लीकेशन फॉर्म में खाता ओपनिंग फॉर्म दोस्तों, आपको ये 2 फोटो लगेगा दोस्तों, हाफ फोटो 2 साट दीजिएगा उस पर, और बड़े वाला में जाके आराम से दोस्तों हो जाएगा आपको। तो मैं रोज का दोस्तों आपको 20 से 30 हज़ार रुपया निकल सकता है बड़े वाले बैंक से दोस्तों, आपको 5 मिनट लगेगा दोस्तों बड़े वाले बैंक में छोटे में से बड़े में ट्रांसफ़र कराने के लिए दोस्तों, आपका अकाउंट नंबर वही रहेगा दोस्तों, और ATM अगर आपके पास होगा तो ATM भी दोस्तों वही रहेगा दोस्तों, अकाउंट नंबर भी सेम, ATM भी सेम, कुछ नहीं करना है दोस्तों, खाली आपका लिमिट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो में बताया हूँ कि SBI के ATM का पिन चेंज करें कैसे करें दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, और कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। SBI के कोई भी आपको टेंशन हो तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और इंस्टाग्राम ID और Facebook को फॉलो कर ले दोस्तों, तो वहाँ भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे दोस्तों, तो आप इस तरह से काम करा सकते हैं दोस्तों, कोई भी काम लगे दोस्तों और SBI से कोई भी रिलेटेड दोस्तों, इसे अकाउंट बंद करवाना है दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग करवाना है, KYC करवाना है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट और बात बोलने वाला हूँ दोस्तों, जो अभी जो आप कराइएगा दोस्तों, जो हम बोले हैं वो आपका भी KYC खाता भी अगर बंद रहेगा दोस्तों तो ऑन हो जाएगा खाता, और आधार कार्ड भी से लिंक भी हो जाएगा दोस्तों। तो आपको एक काम करिएगा तो 3-4 बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। तो ऐसा बताइए आप, 10,000 महीना में कौन निकालता है भाई, कोई निकालता है?
किसी का ठीक है, कोई नहीं निकालता है दोस्तों, वो बात मानते हैं। किसी का जो जरूरी पर पैसा कोई भेज दिया उस पे अकाउंट पे, जो महीना के 10,000 पहले निकाला हुआ है और कोई 10,000 उस पर भेज दिया, तो आपको 1 तारीख को इंतजार करना होगा दोस्तों। तब इंतजार उधार कुछ नहीं, आप उठिए सब कुछ लेके और जाइए CSV पर, सब कुछ फॉर्म फिल करके दोस्तों, साइन मोहर करा के और आधार KYC करा के और दीजिए अपना बड़ा वाला बैंक में, और वहाँ से काम हो जाएगा दोस्तों। आपको खड़ा रहना होगा, 5 मिनट में आपको काम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप काम करा सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जब मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप लंक पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।